पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाला कोई आम अपराधी नहीं बल्कि कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है, जिस गैंग ने मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। अब यही गैंग पप्पू यादव के पीछे है, लेकिन सवाल यह उठता है आखिर क्यों? तो यह मामला तब बढ़ा जब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने खुलेआम लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दे दी थी। उन्होंने कहा था अगर कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। साफ शब्दों में चुनौती देने के बाद अब सांसद पप्पू यादव को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने पप्पू यादव को वीडियो कॉल के जरिए भी धमकाया। जेल में रहने के दौरान जैमर बंद करके इस अपराधी ने पप्पू यादव को फोन किया, लेकिन सांसद ने फोन नहीं उठाया। पप्पू यादव ने पूर्णिया रेंज के डीआईजी, एसपी और बिहार के डीजीपी को इसकी शिकायत भी दर्ज कराई ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इतना ही नहीं, झारखंड के जेल में बंद गैंगस्टर अमन के करीबी मयंक ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके धमकी दी है। मयंक सिंह नाम के फेसबुक अकाउंट से 26 अक्टूबर को की गई इस पोस्ट में लिखा है कि पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई के बारे में उल्टा पुल्टा बयान न दे। पोस्ट में धमकी भरे लहजे में लिखा गया कि औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करो, टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकियों के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या पप्पू यादव इस चुनौती का जवाब देने की हिम्मत जुटाएंगे। पिछले बयान में पप्पू यादव ने बिश्नोई गैंग के खिलाफ सख्त लहजे में कहा था कि अगर कानून अनुमति दे तो वह इस गैंग का 24 घंटे के भीतर खात्मा कर देंगे। अब उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच ये चर्चा गर्म है कि क्या पप्पू यादव इस चुनौती का जवाब देंगे या इन धमकियों के बीच अपने कदम पीछे खींचेंगे। वहीं इस पूरी घटना के बाद पप्पू यादव ने केंद्र से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर अपने इरादों को और मजबूत किया है। सांसद पप्पू यादव इन दिनों झारखंड में इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं। लगातार मिल रही धमकियों से चिंतित पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है और वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। पप्पू यादव ने अपनी जान को खतरा बताते हुए कहा कि यदि सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई तो उनकी हत्या कभी भी हो सकती है। पप्पू यादव ने चिट्ठी में बताया कि यह पहली बार नहीं है जब उन पर जानलेवा हमले की धमकी मिली है। पहले भी नेपाल के माओवादी और जातिवादी अपराधियों से जान का खतरा हुआ था, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 2015 में उन्हें वाई प्लस सुरक्षा दी गई थी, पर 2019 में इसे घटाकर वाई श्रेणी कर दिया गया था। इस मामले के बाद पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा को बढ़ाएंगे। फिलहाल ये मामला राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा का विषय बन चुका है।